क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भूतों का स्कूल आपको सुनने में बहुत ही अजीब और अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहे हैं जहां पर पढ़ने वाले बच्चों का दावा है कि यहां पर रूहानी ताकत का साया है जो उन्हें परेशान करता है। इतना नहीं, स्कूल और हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राएं अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं और अजीब हरकतें करने लगती हैं। ऐसा एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों से यही सब देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं काफी दहशत में हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई स्कूल में भूत का साया है, और अगर है तो वो छात्राओं को क्यों परेशान कर रहा है? इसी पर हम करेंगे चर्चा ठीक 3:34 के बाद, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक स्कूल में अचानक गिरने लगती हैं छात्राएं, छात्राओं को आने लगते हैं चक्कर, फिर मच जाती है अफरा तफरी। छात्राओं का दावा स्कूल में आते हैं भूत, इसलिए अब लोग कह रहे हैं इस स्कूल में भूत आते हैं। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। एक लड़की को कई लड़कियां पकड़कर ले जा रही हैं। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों को इसी तरह से उठाकर ले जाया जा रहा है, और वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। यहाँ हर कोई दहशत में नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ है। दरअसल इस स्कूल में भूतों का साया है। जी हाँ, सही सुना आपने, स्कूल में भूत। ये हमारा दावा नहीं बल्कि इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के मुताबिक स्कूल में भूतों का आतंक है जो छात्राओं को आए दिन इसी तरह परेशान करता है। घटना श्रीनगर के नसीम बाग के एक हाई स्कूल की है, जहां बच्चे अचानक रोने और चीखने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन बच्चों और उनके परिजनों को परेशान कर रहा है। स्कूल और उससे लगे हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं पढ़ाई करते करते चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, दौरे भी पड़ने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं काफी दहशत में हैं। अपने बाल खोलकर ऐसे ऐसे दिखा रही थी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत छोटे थे, उनका दिल बहुत कमजोर था। वो देख के दूसरों को, उनको भी मतलब दिल को कुछ हो जाता था, मतलब फिर पूरी तरीके से सो नहीं पाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। ऊपर से मैट्रिक जो था वो पूरी तरीके से लर्न नहीं कर पाता था। बच्चों को चक्कर आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि एक साथ कई छात्राएं बेहोश हो रही हैं और अजीब हरकतें करती हैं। ये आलम एक दिन से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से बना हुआ है। ऐसे में छात्रा तो परेशान है ही, लेकिन अब अभिभावक भी चिंतित नजर आने लगे हैं, और अब वो अपने बच्चों को यहाँ से वापस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब प्रेत आत्मा के साए से बचने के लिए तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन हमको अभी खुद भी पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा। इससे नहीं, हमने पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं कि किसी किसी का कोई ना कोई बच्चा जो होता है वो अचानक गिर जाता है, चक्कर आने लगता है। तो इससे पहले भी एक वाकया यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर 4 बच्चे गिर गए थे। तो उनको फिर अपने घर वाले आ गए, यहाँ से ले गए घर, तो बोलते हैं हॉस्टल में कोई भूत है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर उनको कोई उसके लिए कुछ करना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी स्कूल में फैले इस दहशत के माहौल को अफवाह करार दे रहे हैं। उनको आशंका है कि अफवाह फैलाकर छात्रों को डराने की साजिश रची जा रही है। किसी की साजिश हो सकती है, और मैंने आज अपने रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन है जो इसके पीछे है, जो नाटक करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी नहीं मानते हैं कि स्कूल में रूहानी ताकत का साया है, लेकिन जिस तरह से छात्रों के साथ हो रहा है उससे लग रहा है कि स्कूल किसी बड़ी मुसीबत में तो जरूर है, जिसकी वजह से ये छात्राएं इस तरह की अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं। सवाल यही कि प्रशासन कैसे जांच करे और बच्चों का डर कैसे खत्म हो। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। और स्कूल के बच्चों की इस तरह की हरकतों पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हम इसी पर सवाल सबसे बड़ा यही उठा रहे हैं कि बच्चों की इन हरकतों के पीछे आखिर मुख्य वजह है क्या। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या स्कूल में सचमुच किसी साए का आना जाना है या फिर महज एक वहम है बच्चों का।
अगर ये वहम है तो इतने बच्चों को एक साथ डर क्यों लगता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बच्चों को डराने के लिए कोई साजिश तो नहीं कर रहा, ये भी सवाल है, क्योंकि किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और एक अहम और बड़ा सवाल है कि स्कूल प्रशासन भूतों को भगाने के लिए ताबीज क्यों रखवा रहा है। क्या स्कूल प्रशासन भी इसमें विश्वास करता है नहीं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, परिचय करा देती हूँ। तर्कशास्त्री विकास नौटियाल हमारे साथ मौजूद है, कोलकाता से इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के रीजनल डायरेक्टर संजय पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री हमारे साथ हैं, इमाम मुफ्ती फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब आप ही के पास आना चाहूंगी, आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत का साया है या फिर ये महज एक बच्चों का वहम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बच्चों का वहम भी हो सकता है और इसमें सियासत भी हो सकती है जैसे कि आपने कहा, लेकिन जहां तक सियासत कैसी, स्कूल में बच्चों के साथ कौन ऐसी सियासत करेगा? हो सकता है वहां का इंतजामिया हो सकता है बाहर से कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जो वहां पर मुलव्वस होना चाहती हो, वो भी हो सकती हैं, और वो बहरहाल कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल जहां तक भूत का ताल्लुक है या जिन का ताल्लुक है, तो भूत को तो हमारी जो शरीयत है, हमारा जो कुरान है, वो तो भूत को नहीं मानता, चुड़ैल को नहीं मानता, लेकिन बहरहाल जिन्नात को जरूर मानता है कि जिन्नात एक, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है वैसे ही अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी पैदा किया है, और जैसे इंसान एक मुकल्लफ मखलूक है अल्लाह की, ऐसे ही जिन्नात भी एक मुकल्लफ मखलूक है। हो सकता है ये जिन्नातों में, और जिन्नात भी दो तरह के होते हैं, जैसे हम में इंसान भी दो तरह के होते हैं कि भाई बहुत एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं, शराबी कबाबी होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या किसी जिन का साया हो सकता जी है? हो सकता है ये जिन का साया हो। शास्त्री जी मानते हैं आप इस बात को? नहीं, बिल्कुल नवजोत बहन, देखिए भूत हमारे जो धर्म शास्त्र है इनमें 33,84,00,000 योनियों का वर्णन है कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव सबसे अंत में गऊ के शरीर में जाता है और उसके बाद मनुष्य के शरीर में आता है। वहां पर सबसे पहली योनि का जहां वर्णन है वो भूत योनि है, उसके बाद प्रेत योनि है, फिर यक्ष है, किन्नर है, फिर गंधर्व पांचवी योनि में आते हैं, छठी योनि में मनुष्य का शरीर आता है, और इसके बाद सातवीं योनि में देव जो है देवताओं का शरीर आता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट हनुमान चालीसा में लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात ये तो उपाय बता रहे हैं आप। हाँ, नहीं उपाय नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने भूत शब्द का प्रयोग किया है। हाँ। अगर भूत और यानी शास्त्रों में भी लिखा है कि भूत प्रेत होते हैं। चलिए जयंती दत्ता जी, अगर भूत प्रेत ना होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे हनुमान भक्त भूत शब्द का प्रयोग क्यों करते? शास्त्री जी मैं लौटती हूँ, जयंती दत्ता जी जरा सभी मेहमान को इंक्लूड कर ले, फिर उसके बाद बहस को ओपन करेंगे। जयंती जी ये बताएं कि बच्चों की ऐसी हरकतें, अच्छा इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे अगर एक तरह की हरकतें करें एक समय पर करें तो बहुत हैरानी होती है, क्या कारण आप देखती हैं? देखिए, जिस उम्र के बच्चों का जिक्र आप कर रही हैं उसमें भूत है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह की मास हिस्टीरिया जगह बच्चे देखते हैं एक के साथ ऐसा हो रहा है तो एक टेंडेंसी होती है दूसरे बच्चों में भी उस चीज़ को कॉपी करने की, और इसका एक जो रीइन्फोर्समेंट जो बच्चों को मिलता है वो अचानक हर एक की अटेंशन आप पा लेती हैं, तो अटेंशन सीकिंग के लिए भी कई दफ़े ग्रुप में बच्चे इस तरह की हरकत कर लेते हैं, और ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता, ये जानबूझ के बच्चे नहीं करते हैं, ये सबकॉन्शियस लेवल पे ये सारी जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो तमाम बच्चे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देती हूँ, 11 साल की उम्र की लड़कियां हैं और जिन 4-5 बच्चियों में इस तरह की हरकतें देखी गई हैं वो एक ही इलाके की रहने वाली हैं, यहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने ये बोला कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन बच्चियों में है, उसके बाद स्कूल प्रशासन ने, अब क्योंकि बच्चे भूत की बात कह रहे थे तो स्कूल प्रशासन ने बहुत सारे उपाय भी कराए जिसमें कुछ धार्मिक उपाय भी हम कह सकते हैं, जैसे तावीज़ वहाँ पर लटका दिए गए, इसके अलावा हवन वगैरह तमाम चीज़ें करवाई हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा है, अगर हिस्टेरिकल आउटब्रेक है ये जो मैं समझती हूँ ये है, क्योंकि 11 इयर्स ओल्ड प्लस तो इस तरह के बच्चों में ये होती है अमूमन,
अगर शुरुआत होती है तो आप देखेंगी एक ही तरह की हरकतें ये बच्चे दर्शाने लगती हैं, और वहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट के लिए ताबीज रखना या कुछ तरह की हवन करवाना, ये एक इट गिव्स अ सोलेस टू द चिल्ड्रन कि हमारे लिए ये काउंटर हो गया। जो भी मुसीबतें थी, जो भी भूत थी, वो यकीन करती है कि हमारे ऊपर साया है किसी का, और उसको कन्विंस करने के लिए आप देखेंगी थोड़े दिन बाद जिससे शुरुआत होती है, जिस बच्ची से, जो बच्चियां बाद में जुड़ती जाती हैं इस तरह के हरकतों से, उनमें ये ज्यादा इंटेंस तरह से मैनिफेस्ट होता है। चलिए हम बच्चियों से भी कोशिश करेंगे कि बात करें, हमारे संवाददाता नसीर हमारे साथ होंगे मौजूद, लेकिन उससे पहले विकास नौटियाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। तीन लोगों के तर्क यहाँ पर आपने सुने, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये बिल्कुल भ्रम है, ये जो ये मनोवैज्ञानिक हैं मैडम उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। मास हिस्टीरिया होता है। अब देखिए हम क्रिकेट का मैच देखते हैं एक साथ चिल्लाने लगते हैं, पिक्चर देखते हैं एक साथ रोने लगते हैं, तो हम ये करते हैं कोई नई बात नहीं है, पर इसके पीछे एक और सीरियस बात छुपी हो सकती है कि ये जो लड़कियां हैं इनके साथ कोई घटना घटी है जो बड़ी सीरियस घटना है। हाँ। और उस घटना को वो डायरेक्टली नहीं कहना चाह रही हैं, कह नहीं सकती, हिम्मत नहीं है, तो वो उसको अटेंशन को ला रही हैं, तो धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ेगी तो तब शायद वो उसको बोले। बहुत सारे केसेस में ऐसा किया गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना, ये उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पाकिस्तान तक, यहाँ पे ये देवी आने का, इस तरह का आने का बहुत चलन रहा है इस चीज़ का। और वो उसमें होता यही है कि वो कहते हैं कि देवी हमारे पर आ गई है, आदमियों पे भी आती है, औरत पे भी, फिर वो बातें बोलते हैं जो बातें वो वैसे नहीं बोल सकते हैं समाज के आगे। तो ये कई बार ही होता है, तो मैं इसको थोड़ा सीरियसली लें कि वहाँ पे क्या कोई ऐसी घटना घटी है उन लड़कियों के साथ जिसको इनडायरेक्टली कन्वे करना चाह रही हैं। बहुत केसेस में ऐसा होता है ये। बिल्कुल, चलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नौटियाल साहब आपने बताया है। अब क्योंकि उनमें से कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड आपको यहाँ बताते चलें, कि जहां पर ये स्कूल बना हुआ है वो डल लेक का एक हिस्सा था जहां पर स्कूल बना है। बच्चियां ये कहती हैं कि जब उनके अंदर कोई आत्मा आ जाती है तो वो ये कहती है कि हमारी जमीन है, यहाँ पर आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। संजय पांडे जी जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी के, संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या आप इस थ्योरी को पर यकीन करेंगे कि कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में आ जाए, या फिर बच्चियों का किसी का हो सकता है इसमें कोई पुनर्जन्म वाला केस भी हो? क्या आप मानेंगे ऐसे? हाँ, धन्यवाद नवजोत जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्पेसिफिक केस की एक अलग जांच होनी चाहिए। लेकिन इतना और बता दूं आपको नवजोत जी कि हमने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने पुणे और कई जगहों पर, शहरों पे इस तरह स्कूल से डरने वाली घटनाएं बहुत फीडबैक रूप में मिली थी। हम वहां पे इन्वेस्टिगेट के लिए गए और चेक किया, और कुछ एबनॉर्मेलिटी हमको नहीं मिली, और जो स्कूल बंद भी हो गए थे उनको दोबारा खुलवाया जा सका और अवेयरनेस भी क्रिएट किया। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई बच्चा एक डर गया है तो एक स्पाइरल की तरह एक दूसरे के ऊपर जो है इफेक्ट फैलता गया, और एक सबकॉन्शियस माइंड में भी है किसी कारण से कैसा ट्रिगर किया, किसके कंडीशनिंग लाइफ में बचपन से कैसी रही है, तो ऐसे केसेस हुए। स्टिल ये कहने के बावजूद भी मैं कहूंगा इस चीज की जो है विस्तृत जांच होनी चाहिए। ऑब्वियसली स्कूल का मामला है, बच्चों के भविष्य की बात है, ताकि सब साइंटिफिक फैक्ट के तरीके पे आ सके। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, आप तीन लोग जयंती जी और नौटियाल साहब और संजय जी एक चीज बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हो सकता है कि बच्चियां डरी हो किसी बात को लेकर, उनके जहन में डर हो और वो उसको एक्सप्रेस करना चाह रही हो। एक और सवाल क्योंकि यहाँ पर उठ रहा है, मुफ्ती साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने शुरुआत में कहा कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश भी हो सकती है, अब आप ये बताएं सियासी या फिर कोई भी साजिश, ये बताएं जो पॉइंट्स जयंती जी या नौटियाल साहब या संजय जी उठा रहे, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चूंकि हम चूंकि इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो इस्लाम ने हमें बातें बताई हैं हम उन्हीं बातों को मानेंगे, और अगर कोई इस सिलसिले में अपनी राय रखता है तो हम उसकी किसी की भी राय को इस बारे में नहीं मानेंगे। हमारा कुरान हमसे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा फिर वहां पे? हो सकता है कि ये भूत प्रेत भी हो सकता है, ये जिन्नातों का असर भी हो, जिन्नाती असर हो सकता है, ये वहां पर जिन्नात हो। तो मैं बताती हूँ, उसमें से एक मुस्लिम लड़की है जो ये कहती है कि उसके अंदर काली माँ आती है, उस बच्ची का ये कहना है। नहीं, काली माँ को तो चूंकि हम नहीं मानते, ये काली माँ या आत्मा किसी की जिसमें प्रवेश कर जाती है, ये सब चीजें हम नहीं मानते। हम तो सिर्फ जिन्नातों को मानते हैं, जो जिन्नात की बात
हमारे कुरान ने की है कि भाई जिन्नात हैं तो वो जिन्नात बरहक हैं, बहरहाल उनमें अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये खबीस जिन्नात हों, बुरे जिन्नात हों जो बच्चियों को इस तरीके से सता रहे हैं, वरना जो अच्छे जिन्नात होते हैं वो इस तरह किसी को सता रहे हैं। अगर ये हिस्टोरिकल आउटब्रेक है तो ये मुस्लिम या हिंदू नहीं देखेगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये नहीं शायद कहा गया कि मेंटल इलनेस जो है सिर्फ और सिर्फ जिन्नातों के वजह से होती है। हम जो कह रहे हैं वो अगर आप इसको तहकीकात करें और देखें कि इस तरह की जो शुरुआत हुई है, इट कुड बी अ हिस्टोरिकल आउटब्रेक बिकॉज द एज, जिस उम्र की बच्चों ने ये शिकायत करी है उन बच्चियों में खास करके इस तरह की आउटब्रेक पाई जाती है। तो इसका हाउ विल यू प्रूव कि ये जिन्नात है या भूत है या हिस्टोरिकल है या नहीं, वो तो हम प्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, साइकोडायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, उसके तहत आप ये प्रूव कर सकती हैं कि ये बच्चे वाकई साइकेट्रिक इलनेस से सफर कर रही हैं या नहीं। लेकिन जिन्नात के बारे में ये कहना कि ये आप मानते हैं नहीं मानते, इट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, यू कांट प्रूव इट। ठीक है, नौटियाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी धर्म, जो भी हम बार बार बोलेंगे ना कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही चलेंगे, तो मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आपके धर्म में तो ये नहीं लिखा कि पोलियो का इलाज करने के लिए टीका लगाना पड़ेगा, फिर भी तो आप टीका लगा रहे हैं ना, तो धर्म में तो बहुत चीजें नहीं लिखी है पर आप उसको फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर कोई बीमारी है जो भी आया मैं नहीं जानता, बात समझ नहीं होगी, बहुत सारी चीजें वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो उनके धर्म में नहीं लिखी हुई है वो कर रहे हैं। मजहब इस्लाम में लिखा हुआ है अगर आप बीमार हो जाएं तो आप उसका इलाज कराएं, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो पोलियो ड्रॉप से ठीक हो सकती है तो आप पोलियो पिलाएं। स्कूल में बच्चे जिस तरीके की हरकतें कर रहे, अब सवाल यही है कि क्या वाकई स्कूल में कोई भूत है, किसी प्रेत आत्मा का साया है, या ये बच्चों का वहम है, या फिर बच्चे अटेंशन पाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शास्त्री जी कुछ थ्योरीज ऐसी हैं, अब जैसे आपने सुना कि मुफ्ती साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ये है क्योंकि इनके इनके धर्म के हिसाब से जिन होता है, हो सकता है कि वो वहां पर प्रकट होता हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अटेंशन पाने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हो, आप क्या मानते हैं क्या हो सकती है वजह? नहीं देखिए, मुफ्ती साहब ने जो बात कही इन्होंने ये बात को माना कि ये चीजें होती हैं, और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैं किसी प्रकार के और कहानी कथाओं वाली भूतों की बात नहीं करता, मैं प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हूँ, मैंने अपनी आंखों से भूत को देखा है और ऐसे देखा है कि जिसको मैं आज तक नहीं भूल सका, और उस घटना के कम से कम 15 वर्ष हो गए। मैं इतना छोटा भी नहीं था कि मैं भूत को नहीं जानता था या मैं इंसान और भूत में अंतर ना समझ सकूं। पहचानते थे? हाँ, मैंने मतलब कि ये भूत है और ये इंसान है, चूंकि मैं शास्त्र को पढ़ा था तो भूतों के लक्षण भी मुझे मालूम थे, तो मैंने अपनी आंखों से सफेद वस्त्रों में सिर के ऊपर पगड़ी बांधे हुए भूत को देखा है इसमें, और वो छाया मेरे आंखों से आज तक भी नहीं जा रही। और उसके बाद उस भूत ने आकर के जिस कमरे में मैं सो रहा था उसने आकर के, और मैं आश्विनी महीने के सितंबर के महीने की बात है, मैंने उस व्यक्ति ने आकर के मुझे बड़े जोर का थप्पड़ भी मारा, और मैंने सोचा पता नहीं कौन है, मेरे साथ में एक और आदमी था, मैंने सोचा शायद वो है। मैं आंखें खोला, लाइट जल रही थी, अंधेरा नहीं था, जब मैंने उस व्यक्ति को देखा, नवजोत बहन आपको बता दूं मेरे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस चद्दर को उठा करके अपने सिर के ऊपर डाल लूं, और सुबह तक मैं उसी अचेतन अवस्था में पड़ा रहा 8 बजे तक। मुझे मालूम था कि 8 बज गए हैं, घड़ी भी देख रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत भी मेरी नहीं हो रही थी कि मैं उस बेड से उतर करके और नीचे उठ जाए। ये आप जो बात बता रहे हैं 10 साल पहले की बात है, लेकिन आज छात्राएं क्या महसूस कर रही हैं? चलिए हम आपको दिखाते हैं। शास्त्री जी आप बता रहे हैं कि आपने भूत को देखा है, छात्राएं भी यही कह रही हैं कि उन्होंने भूत को देखा है, वो भूत को देखती हैं वहां पर, लेकिन क्या होता है उस वक्त उनके साथ, उन छात्राओं के साथ, कैसे अचानक उनको दौरे पड़ने लगते हैं, किस तरीके से वो बात करती हैं? हमारे संवाददाता नसीर अहमद ने उन तमाम छात्राओं के साथ बात की है, जरा सुनते हैं वो भी। बच्चों से बात करेंगे कि क्या क्या होता है इन बच्चों के साथ। अब आप बेटा बोलिए कि ये कोई खास वक्त होता है कि जब आप बच्चे डर जाते हो, या किसी भी वक्त ऐसा होता है? हमें नहीं पता, हमें अचानक कुछ होता है। कोई खास दिन, दिन मतलब रात को, दिन को, दोपहर को, कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइमिंग? किसी भी टाइम अचानक होता है। डर कैसे लगता है वो तो बता दीजिए।
पता नहीं, ये बेहोश हो जाते हैं और फिर नहीं पता होता, बैठे बैठे ही बेहोश हो जाते हैं। ये एक बच्चा होता है कि सारे बच्चे एक साथ होते हैं? कुछ बच्चे साथ होते, कुछ एक पे होता और सब डर जाते। सर यहाँ पे पहले एक लड़की पढ़ती थी, शाहीन नाम है उसका, सर हमारे साथ ही यहाँ पढ़ती थी। सर उस दिन उसको भी ऐसे ही, सर वो बैठी थी हमारे साथ बेड पे, सर वो गिर गई, फिर उसके बाद मुझे अपना नहीं पता था। आप खुद बताइए कि आपके साथ क्या होता है, कैसे डरते हैं आप? सर हमें अपना सर कुछ पता नहीं, सर इतना पता था सर जब एक लड़की को सर कुछ हो जाता है उसकी वजह से फिर सबका। फिर सर मुझे उस दिन हम यहाँ पे बैठे थे सर, उसके बाद फिर मुझे चक्कर आया, उसके बाद मुझे अपना कुछ पता नहीं था। उसने कुछ और नाम बताया तो वो मुझे बताएंगे कि आपकी क्या हुआ क्या? जी मैं इनके साथ बात कर रही थी, एक बच्ची बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, मैंने बोला क्या बात है बेटा, मैंने गले लगा के उनसे पूछा, बोला कुछ नहीं मैम। फिर मैंने बोला आपका नाम क्या है बेटा, बोला सुनैना। मैंने बोला जबकि उसका नाम सुनैना नहीं है, नहीं है। तो मैंने बोला सुनैना अच्छा क्या करती हो, बोलते कुछ नहीं मैं बैठी होती हूँ। मैंने बोला कहाँ बैठती हो, बोला ऊपर तीसरी मंजिल में। मैंने बोला क्या करती हो, बोलते मैं भगवान का नाम ले। मैंने बोला किस भगवान का, बोला काली माता का। जम्मू कश्मीर सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बहुत जल्द आगे आना चाहिए, चाहे यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया जाए, चाहे मौलानाओं को बुलाया जाए, और ताकि ये जो झेल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उसका अंत हो सके। कैमरामैन शफी के साथ नसीर अहमद, IBN 7। अब आपने सुनी उस बच्चियों की बात, अब बताएं मौलाना साहब क्या ताबीज रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिस तरीके से स्कूल प्रशासन भी ये कर रहा है और बच्चियां जो बता रही कि उन्हें पता ही नहीं चलता क्या होता है और उसके बाद बेहोश हो जाती हैं बच्चियां, और ये सब देख के जो स्कूल में बाकी बच्चियां हैं, जो हॉस्टल की बाकी बच्चियां, वो भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है, मैंने ये नहीं कहा कि स्कूल में वाकईतन जिन्नात ही है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिन्नात ना भी हो। मैंने तो आपको वो बताया था कि अगर जिन्नात है तो उसका वाकईतन इलाज होना चाहिए, और इलाज जाहिर है कि जो इसके आमिल हैं, जो इसके माहिरीन हैं, वही इसका इलाज भी करेंगे। आप उनसे इलाज करें, चाहे वो आपको तावीज़ के ज़रिए इलाज करें या आपको पानी वगैरह दें या आपको तेल वगैरह दें, जो भी दें, बहरहाल आप उनसे रुजू करें और उनसे इलाज कराएं। लेकिन एक बात मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस सिलसिले को आज से 1450 साल पहले हमारी शरीयत ने बताया था कि आम तौर से ये जो जिन्नात होते हैं, खबीस जिन्नात होते हैं, पेड़ों के ऊपर होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पेड़ों के नीचे पेशाब ना करें, हड्डी इनकी गिज़ा होती है, हड्डी के ऊपर पेशाब ना करें, और इसी तरीके से घोड़े की जो लीद होती है वो भी इनकी जिन्नातों की गिज़ा होती है, उसके ऊपर भी पेशाब वगैरह करने की कोशिश न करें। शास्त्री जी, यहाँ पर एक बच्ची ये बता रही है, अब आप अपना एक्सपीरियंस जैसे बता रहे थे, दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे कि आज से 10 साल पहले आपने भूत देखा था, आप घबरा गए थे, आप कुछ बोल नहीं पाए थे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चियों ने ये बात बताई है, बच्चियां कह रही हैं कि उनको जब वो देखती हैं अचानक से उनको दौरा पड़ता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं, और कई बार उन्होंने अपना गलत नाम बताया, वो बच्ची जिसका असली नाम कुछ और है वो अपना नाम कुछ और बोल देती है। अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि शास्त्रों में भूत बनता कौन है पहले ये सोचा। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तीन प्रकार की अल्पायु और अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु और पूर्ण मृत्यु, तीन प्रकार की मृत्यु होती है। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिनकी सांप या बिच्छू के काटने से मृत्यु हो जाती है, कुत्ता आदि के काटने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, या एक्सीडेंट आदि से जिनकी मृत्यु होती है, प्रायः वो लोग जब तक उनकी पूर्ण आयु समाप्त नहीं होती वो भूत योनियों में रह करके और अपने कर्म का दंड भोगते हैं। तो अब इस प्रकार की जो मैं आपको एक और अपनी घटना बताता हूँ, बिल्कुल आंखों की देखी हुई बात है, और मेरा एक और मित्र भी था। एक बार मैं और मेरे एक मित्र थे, उनके बेटे की शादी थी, और दिल्ली में ही गीता कॉलोनी में कार्ड देने के लिए गया, शादी का कार्ड देने के लिए। उसने कहा भोजन करके जाइए, यद्यपि हम निकलना चाहते थे लेकिन उसने कहा नहीं, खाना खा के जाइए। हम और मेरा जो मित्र है वो दोनों ही, वो ठाकुर था, दोनों ही उसके घर में भोजन करने के लिए बैठ गया। लेट हो गया, रात के 2 बजे मैं और मेरा जो मित्र है वापस आ रहे थे राजघाट के पास, बड़ी फुल स्पीड में हम दोनों आ रहे थे। हाँ। राजघाट के पास एकदम दौड़ करके एक ऐसा व्यक्ति आ गया, हमें लगा शायद उसके ऊपर एक्सीडेंट हो गया। बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल, मेरा जो मित्र था वही चला रहा था, और बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल संभाला, देखा ना आगे कोई, ना दाएं बाएं पीछे, आगे कोई भी नहीं। जयंती जी, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, फिर वो पीछे दौड़ा, फिर दौड़ करके उसकी छाया आगे आई, फिर मैं भी बड़ा, मैंने उसको कहा यार कैसी गाड़ी चला रहा है, कैसी मोटरसाइकिल चला रहा है।
कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं, ये भी कहेंगे कि लेकिन इसके आगे निगम बोध घाट है, कहाँ से आत्मनिधि धरा आ रही हूँ, ये भी बताएंगे। एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। उसने अपने मुंह से कहा आज के बाद इतनी रात में आएगा तो देखूंगा, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया है। हमने इस बात को अपनी कानों से भी सुना है और उस छाया को हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए किसी के बताने की बात नहीं है। जो व्यक्ति उसको मालूम है, इस तरह की एक्सपीरियंसेस आपको सुनने को मिलती हैं, और हर तबके से हर उम्र के लोगों के साथ। लेकिन जो बाकाया हम डिस्कस कर रहे हैं 11 साल की बच्चियों का, उसके लिए मुझे लगता है इट्स ए हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन। इसको मेडिकली जांच करवाएं, और जैसे मौलाना जी भी कह रहे हैं कि इसको नकारना नहीं चाहिए, देख लीजिए मेडिकल, इसमें भूत प्रेत की बाधाओं में मेडिकल कुछ नहीं, मेडिकल फेल है इन बातों में। मेडिकल तो दो चार और बीमारियां बताकर उनका प्रेशर कर देगा। शास्त्री जी, मैं ये बात नहीं कह रही, मेडिकल इतना कमर्शियल हो चुका है कि एक ठीक अच्छे व्यक्ति का ऑपरेशन कर देता है, 3-4 लाख रुपए बिल और बना देता है, कोई बात, बच्चों का करियर और खराब कर देगा। वहाँ अच्छा ये है कि अच्छे गुणी को बुलाया जाए, अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाया जाए जो इस विद्या को जानते हैं। झाड़ फूक की विद्या कहीं समाप्त नहीं हो गई है, अथर्ववेद के मंत्र और झाड़ फूक की विद्या आज भी है। उन बच्चों को झाड़ फूक कराया जाए, वास्तु शास्त्री को बुलाकर उस भूमि का शोधन कराया जाए, उस भूमि में दोष है। अगर 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 जो डिजीज मैं सोच रही हूँ, अगर ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और आपने ये चीजें करी, तो उससे सेकेंडरी गेन और भी मिलेगा, उससे बढ़ावा मिलेगा। इनका जो परेशानी ये दिखा रही है, मैनिफेस्टेशंस हो रही है, उसमें इजाफा होगा, क्योंकि सेकेंडरी गेन अगर हिस्टोरिकल मरीज को मिलता है तो उसमें उसको कोई फायदा होता नहीं। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं एक सवाल संजय जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हमने यहाँ पर इन बच्चियों से ये सुना, हमारे संवाददाता जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब उन बच्चियों को इस तरह की हरकतें उनके साथ होती हैं, वो बेहोश हो जाती है, जब उठती है, नाम पूछा गया तो बच्ची ने अपना नाम अलग बताया, यानी नाम कुछ और बताया, वो नाम नहीं बताया जो उसका असली नाम था। आप इसको क्या कहेंगे? आप नवजोत जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ। आज के डेट में मेन तो परेशान वो बच्चियां हैं। हाँ। तो एटलीस्ट सबके व्यूज कुछ भी हो, इसकी तो मैं बोल रहा हूँ जांच होनी ही चाहिए। मे बी कोई एक केस उसमें से हो, ना कि मास लेवल पे हो, और फिर उस बच्चे ने बताया ऐसा है और वो स्पाइरल होते हुए फैल गई बात। अब बच्चों में कोई भी बात जल्दी बैठ भी जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जरूर उसको उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसका ट्रुथ उसके पास है। आज हम लोग ऑब्जर्वेशन बाहर से कर रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से और दूसरे तरीकों से उसका दर्द बच्चे का दूर करना चाहिए। संजय जी आप ये बताइए, 10-11 साल के बच्चे भूतों की दुनिया को जानते हैं, उन्हें क्या मालूम भूत किस प्रकार के होते हैं? और दरअसल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आचार्य जी मैं बात बता दूं, ये मसला सिर्फ उसी स्कूल के बच्चों का नहीं है, बल्कि ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जो हर तीसरे घर में हो रही है। अभी देखिए मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा, हम लोग अभी आप को लेके नहीं देखते, बाहर जाकर देखिए वहाँ हिंदू भी खड़े हुए हैं, धर्म की बात नहीं है, सब सिख भी खड़े हुए हैं, ईसाई भी खड़े हुए हैं, वो सारे खड़े हुए हैं। कोई मौलाना जी बाहर निकलेगा स्कूल में भूत आता है। कुछ लोग हमारे स्टूडियो में बैठे कुछ खास मेहमान ये मान रहे हैं कि वाकई ये सही है, कुछ मान रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये बच्चियों का वहम है। नौटियाल जी मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बच्चों का वहम है या आप भी मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? ये तो बच्चों का वहम ही है, तो इसमें कोई निसंदेश नहीं, यानी भूत प्रेत नहीं होते आप ये मानते हैं? की बात, वो जो धर्म गुरु थे उनकी बातों को आगे लेना चाहता हूँ। जी जी, ये तो मैं तो हम ऑफकोर्स नहीं होते हैं, मैं पुरानी बात को आगे लेना चाहता हूँ जो कह रहे थे। हाँ। मैं कहता हूँ कि दोनों धर्म गुरुओं ने कहा भूत तो होते हैं, पर दोनों ने कारण बिल्कुल अलग अलग बताए। ऐसे आप इनसे इलाज पूछेंगे ना, इनके इलाज भी बिल्कुल अलग अलग होंगे। ये इस पे तो सहमत है, क्योंकि इनको भूत कहने में तो फायदा है, ये लोगों को डराने में फायदा है, कारण बिल्कुल अलग अलग है। आपने तो बिल्कुल अलग अलग कारण बोले, उसका इलाज पूछेंगे। देखिए समझने की बात ये है, विज्ञान जो है ना इन धर्म गुरुओं को पीछे पीछे धकेला। भूत मानते हैं या नहीं मानते? मैं बोला था आपकी बात में, आपने इतनी कहानी सुनाई, अगर आप कहते हैं भूत नहीं होते तो दिल्ली बड़ी लच्छेदार कहानी थी, मैंने कुछ बोला के आधी रात के समय मोटरसाइकिल को रोकती है। देखिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर आपको चैनल में कहानी सुनाने के लिए आया है तो इससे अच्छी कहानी सुनाते लोगों का मनोरंजन होता है। कहानी सुनाने के लिए बुलाया है तो आप मुख्तलिफ डॉक्टरों के नाम ऐसे ही अलग नीचे आधी रात दोपहर के समय
सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति कौन है? अरे लोग समझदार है, मैं कह रहा हूँ शास्त्री जी, कहानी सुनाने के थोड़ी बुलाया आपको। मोटरसाइकिल को रोकती हुई लड़की कौन है आप बताइए? इनका किसी बात का जवाब है आपके पास नहीं? ये तमाम ऐसे किस्से जयंती जी, अगर ऐसा नहीं है ठीक है, अगर साइंस को नहीं मानती ऐसा नहीं है तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह है, मुफ्ती साहब भी बता रहे हैं, शास्त्री जी बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं अपने सर से चले जाते हैं काम करवाने के लिए। हमारी बच्चियां परेशान है, उनका इलाज हमें चाहिए और उसके लिए आपको ये तहकीकात करनी पड़ेगी, मेडिकली इंक्लूडेड, स्पिरिचुअली ऑल्सो, कि हाँ बाकी क्या है या नहीं है। लेकिन इस तरह के एपिसोड्स हमने मेडिकल हिस्ट्री में देखा है, ऐसी अमूमन पाई जाती हैं 11 साल प्लस बच्चों में हिस्टेरिकल आउटब्रेक होती हैं। सेकेंडरी गेन एक कंपोनेंट होता है इस डिजीज का, उसको भी मद्देनजर आपको रखना चाहिए। मैं ये तकरार में इन्वॉल्व होनी ही नहीं चाहती कि भूत है या भूत नहीं, लेकिन बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। बड़ा सवाल यहाँ पर, ठीक है कुछ लोग मान रहे हैं कुछ लोग नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल उन बच्चियों का है जिनको लेकर सभी लोग कंसर्न है कि सबसे पहले समस्या क्या है उस जड़ तक पहुंचना चाहिए और फिर उसका इलाज अगर साइंस में है या फिर धर्म में उसका इलाज है, बच्चियों को तुरंत वो इलाज मुहैया कराना चाहिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही।